शर्मा, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से हिंदी व्याकरण लेकर आया हूं वर्ग सप्तम और अष्टम के लिए। आज हम पाठ चार में पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं किसके, संज्ञा का मतलब क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, ये विभिन्न तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। तो संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जहां नाम नहीं वहां संज्ञा नहीं। संज्ञा नाम है तो संज्ञा है, नाम ही नहीं है तो संज्ञा नहीं है। तो किसी भी तरह का नाम हो, चाहे वो नाम व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, यदि नाम है तो वो नाम ही संज्ञा है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, पटना, मेज, कुर्सी, राम व्यक्ति का नाम है, पटना स्थान का नाम है, मेज कुर्सी वस्तु का नाम है। तो ये संज्ञा का उदाहरण है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यह संज्ञा की परिभाषा हो। फिर संक्षेप में हम कहेंगे किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाम वो चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो, लेकिन नाम का होना आवश्यक है संज्ञा के लिए। संज्ञा न तो व्यक्ति को कहेंगे, न वस्तु को कहेंगे और न ही स्थान को कहेंगे, बल्कि हम व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा हम पढ़े हैं व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा को पांच भागों में बांटा है, लेकिन प्रारंभ में संज्ञा के तीन भाग होते हैं, तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये तीन भेद माने गए हैं। लेकिन व्याकरणाचार्यों ने इसे दो भेद और बढ़ाया, जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में तोड़ दिया, दो भेद और इसका किया, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु या किसी खास स्थान का बोध जब कराता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम खास व्यक्ति है, मोहन खास व्यक्ति है, पटना खास स्थान है, तो ये जो बोध करवाते हैं खास निश्चित, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन वैसे सब जिससे पूरी जाति का बोध कराता हो, खास का नहीं पूरे जाति भर का बोध जिससे होता हो, वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का पूरे जाति का बोध हो रहा है, लड़की पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है, पेड़ पूरे पेड़ का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब भाववाचक, जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव का पता चलता है, गुण दोष का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है।
जातिवाद और संज्ञा के दो भेद जो मैंने बताया, ये है समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, ये समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सेना, सेना अंगूर का गुच्छा, वर्ग, तो ये सब समूह का बोध करा रहा है। मेला समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। अब एक और भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, नाप तौल वाली वस्तु का बोध कराता है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसका उदाहरण है लोहा, पीतल, दूध, तेल, घी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो संज्ञा के ये पांच भेद माने गए हैं। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, नया नया भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। ऐसा भी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी कर सकते हैं। तो शब्दों का प्रयोग, शब्दों का समायोजन आप कैसे कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है। तो आज इतना ही, अब आगे फिर हम पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ने में आपको जो कठिनाई होगी, फिर मैं सहयोग आपको करने के लिए आपके साथ हूँ। धन्यवाद।